हेलो गाइस, टेक्निकल गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं वापस अपडेट देने आया हूँ। यहाँ पे मैंने 50 दिन पहले सीड से घास ग्रो करने के बारे में इसमें मैंने आपको बताया था, और इसके मैंने दो तीन भाग भी आपको इस चैनल पे डाल रखे। आप एंड स्क्रीन पे वो प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसपे आप सारे भाग देख सकते हो। और इसमें मैं आज 50 दिन बाद का अपडेट वापस आपको बता रहा हूँ, और इसमें मेरे को क्या क्या समस्या हुई और क्या हमारा खर्चा हुआ वो भी पूरा बताऊंगा। और जो भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी है जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो वीडियो आपको नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ वीडियो हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं। और चलिए मैं अब यहाँ पे जो घास लगी सीड से उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस, ये जो मैंने घास के सीड से जो ये घास ग्रो की है, ये मैंने लगभग आज के 50 दिन पहले ग्रो की थी। और हमारे हर वीडियो के नीचे जो डेट आ रही है वो एकदम जब हम वीडियो शूट करते हैं उसी समय की है। आप उस हिसाब से भी टाइम चेक कर सकते हैं कि हमने कब और कैसे ये घास लगाई। और सबसे पहले हमारे दिक्कत आई इसमें ये गर्मी की, जिसमें हमने एक वो टेम्परेचर मीटर भी मंगाया है जो हम यहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे ये नेट भी मंगानी पड़ी, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ पे 40 से 42 डिग्री के आसपास चली गई थी, और उसकी वजह से हमारे कुछ चारों तरफ जो इधर ये हमने और घास लगाई है इंग्लिश घास, इधर हमने जो बीज डाले वो एक बार तो सारे ग्रो हुए थे अच्छे से, लेकिन गर्मी की वजह से वो सारे सूख गए। और इधर हमने दूसरी घास फिर इसीलिए लगाई है। और चारों तरफ जहाँ पे भी धूप ज़्यादा आई वहाँ पे हमारे सीड्स जर्मिनेट तो हो गए थे, लेकिन बाद में वो ज़्यादा गर्मी के कारण से वापस सूख गए। और दूसरी दिक्कत थी हमारे यहाँ पे ये जंगली चरे की, खरपतवार की, और इसको हमने 2 महीने तक तो लगातार इसमें हर 20 दिन से 10 दिन में खुदाई करते थे, फिर भी हमारे यहाँ पे जंगली घास थोड़ी ज़्यादा ही थी। और इसमें लगभग 80% घास तो इस प्रकार है कि एक की जो ये फुटान हुई है ये देखिए, 80% में इस प्रकार फुटान हो गई है। और जितने भी हमारे ये सीड्स है उसमें 2 से 3 या 4 इस प्रकार हमारे नए मतलब फुटान हो रही है इसमें। और बहुत सारी जंगली घास इसमें हमने उखाड़ी भी है हाथ से, और इसमें कोई भी हमने अभी तक केमिकल का यूज में नहीं लिया है। और अभी का हमारे यहाँ पे तापमान है ये देखिए 31 सेल्सियस तापमान है, 31 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी है हमारे यहाँ पे 75 HR। और जितना भी हमारे ये अभी सीड से जो घास है वो सिर्फ नेट के नीचे है, जो बीज है हमारे वही अभी ग्रो हो रहे हैं, बाकी ये चारों तरफ से हमारे घास ख़त्म हो गई। और आने वाले वीडियो में भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारा ये जो कार्य हमने किया है वो सक्सेस होता है या नहीं और कितना परसेंट में होता है। ये देखिए यहाँ पे हर जगह मतलब अच्छे से फुटान हो रही है, लेकिन फिर भी हमको अभी शंका है कि अभी हमारा ये काम 100% सक्सेस होगा या नहीं। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की भी आपको जानकारी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हमारे खरपतवार आई ये इस प्रकार की, जिसमें बारीक ये फूल आते हैं और गुच्छों में रहता है ये जंगली चारा। अभी मैं आपको एक उखाड़ के भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये इस प्रकार का रहता है। और ये ज़्यादातर हमारे घास में 80% तो ये जंगली चारा था, और फिर 10% हमारे इधर मोटा घास ज़्यादा था, और कुछ 10% अलग जंगली चारा भी था इसमें। और इसमें हमने 4 से 5 बार इसमें जंगली चारा उखाड़ा हाथ से, और 2 बार इसमें हमने यूरिया खाद भी डाला था, जिससे हम अच्छे से जल्दी फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं इसके लिए। और अब हमारे सभी जगह इस प्रकार की पोजीशन है हमारे ये बीज की जो हमने घास ग्रो की थी इसकी। और आने वाले वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये कैसी क्या फुटान होकर हमारे गार्डन घास तैयार होती है,
और फिलहाल तो अभी ये इस प्रकार है इसकी पोजीशन, और कुछ जंगली चारा भी है। और इसमें हम उधर जो मोटा घास है उसमें अब हम सेम्परा दवाई भी डालेंगे जिससे मोटा घास ख़त्म हो जाएगी। और अब हमारे यहाँ पे हवा वगैरह भी तेज़ चल रही है तो इसके लिए हम ये नेट हटा देंगे, क्योंकि अब हमारा तापमान भी कम हो गया है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ज़्यादा तापमान नहीं है और हवा भी अच्छी आ रही है और बारिश का मौसम भी चालू हो गया हमारे यहाँ पे। तो अभी हम ये नेट का अब हमारे को ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। और चलिए मैं अब आपको ये नेट हटा के फिर आपको और बताता हूँ। हाँ तो गाइस, अब ये देखिए मैंने यहाँ से ग्रीन नेट हटा दिया है गार्डन से, और अब मैं आपको बताऊँगा इसमें और जो भी मैंने इसमें काम किया। तो इसमें मैंने दो बार यूरिया खाद भी डाला था, और एक बार मैंने जैविक खाद जो केचुआ खाद आती है वो भी मैंने इसमें डाली। और बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आते हैं जो सिर्फ छोटे मोटे टब में सीड डाल के और बता देते हैं कि ऐसे ये घास ग्रोथ हुई, लेकिन वो पूरा अपडेट नहीं देते। आपको हमारे इस चैनल पर पूरा अपडेट मिलेगा कि घास बाद में सक्सेस होती है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीड मंगा लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप हमारा ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप घर पे मंगा सकते हो बीज। अगर हमारा ये गार्डन बीज से सक्सेस हो जाता है तो आप उस प्रकार मंगा सकते हो। और हमने ये गर्मी के मौसम में लगाया था गार्डन, इसके वजह से हमारे चारों तरफ जो बीज डाले वो जर्मिनेट हुए, लेकिन बाद में वो गर्मी की वजह से सूख गए, और बीच में थोड़ा खरपतवार ज़्यादा आया। इसमें थोड़ा मेहनत हमने अधिक की लेकिन इतना रिजल्ट नहीं आया अभी तक हमारे। और हमारे अगर ये अमेरिकन ग्रास के बीज अगर सक्सेस नहीं होते हैं यहाँ पे तो हम इधर लगाएंगे बाद में सिलेक्शन वन घास के बीज, या फिर वो बरमूडा घास के बीज, वो थोड़े हार्ड आते हैं और थोड़े अच्छे से ग्रोथ हो जाती है उनकी। बाकी हमारे गार्डन में जो भी अभी तक ये जो बीज डाले हमने उसमें और फुटान हो रही है साइडों से, लेकिन बाद में और क्या इसका अपडेट होता है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और हमारे यहाँ पे अगर ये सक्सेस हो जाता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से बीज मंगवा सकते हो। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए मैं अब चलता हूँ, अगले वीडियो वापस मिलेंगे। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।